सेनापति, जो भी गुप्तवंश के साम्राज्य में स्त्री का सम्मान, स्त्री की स्वतंत्रता का सम्मान और उसकी इच्छा का सम्मान न करे, उसका इतिहास में, वर्तमान में और भविष्य में नाम न रहे। ताम्र शासन में अशुद्धि है और अस्पष्ट है अक्ष पटेलिक, यह तुरंत निरस्त किया जाए और नया ताम्र पत्र बनवाया जाए। शासन भूमि दान में दे रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि दान पाने वाले के पास ऐसा आदेश रहे जिस पर शासन के अधिकार पुरुष भविष्य में विवाद कर सके। युवराज भट्टारक, इन आदेशों को भी ताम्र पत्र में उत्कीर्ण कराइए। यज्ञवल्क्य का स्पष्ट आदेश है कि भूमि दान या भेंट देते समय या कोई भी स्थायी अनुबंध करते समय राजा भविष्य के सम्राट की सूचना के लिए दान या भेंट की शर्तों को लिखकर वचनबद्ध हो। राजा का पास के पट या ताम्र पत्र पर अपने पिता से पहले की 3 पीढ़ियों की वंशावली और जिसे दान या भेंट दी जा रही है उसकी भी उसी प्रकार वंशावली, दान या भेंट की मात्रा, भूमि के चारों ओर की सीमा, अपनी मुद्रा, हस्ताक्षर और दान की तारीख को लिखकर अनुबंध को स्थायी करें। यदि ताम्र पत्र में यह विवरण नहीं है तो क्षमा युवराज भट्टारक। युवराज भट्टारक, सेनापति अमरकारद्व उपस्थित हैं। आज पुराने ताम्र पत्र देख रहा था, उसमें परम भट्टारक रामगुप्त का दान पत्र मिला। गुप्त शासन ने मंदिरों और बौद्ध विहारों के लिए बहुत भूमि दान में दी है युवराज भट्टारक, ऐसे कई दान पत्र मिलेंगे। आर्य हरिशयन की प्रशस्ति पत्र की प्रतिलिपि भी अचानक हाथ लग गई। प्रशस्ति के 4th श्लोक में लिखा है कि परम भट्टारक समुद्रगुप्त की नियुक्ति की घोषणा पर दूसरे राजपुत्रों के चेहरे गिर गए। परम भागवत महाराज चंद्रगुप्त ने अपने बड़े बेटे काचदेव की जगह महाराज समुद्रगुप्त को क्यों चुना? मैं नहीं जानता युवराज भट्टारक। क्या गुप्त वंश का साम्राज्य भी छल प्रपंच और हिंसा पर खड़ा है? आज ये प्रश्न क्यों युवराज भट्टारक? क्योंकि मैं स्वयं से प्रश्न करना सीख रहा हूं सेनापति। वैशाली गणतंत्र को साथ में रखने के लिए महाराज समुद्रगुप्त को युवराज घोषित करना जरूरी था। महाराज समुद्रगुप्त की माता साम्राज्ञी कुमार देवी वैशाली की लिच्छवी थी। लिच्छवियों को साथ रखने के लिए कुमार काचदेव को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया। परिवार के लिए व्यक्ति, गांव के लिए परिवार, देश के लिए गांव छोड़ना पड़ता युवराज भट्टारक। और सच के लिए संसार। तो क्यों गुप्त वंश के हर आलेख से, दान पत्र, दान शासन से रामगुप्त के नाम को हटाया गया? मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता सेनापति। यह प्रश्न मैं परम भागवत सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से भी पूछ सकता हूं। शायद उन्हें दुख हो इसलिए मेरे पिता के सबसे पुराने साथी से पूछ रहा हूं। और आप मेरे लिए सिर्फ सेनापति नहीं, काका भी। रक्त से नहीं पर शायद उससे बढ़कर। परम भट्टारक का वो दान पत्र मिलते ही कर्मचारियों के होश क्यों उड़ गए? क्यों उसे तुरंत नष्ट करने के लिए वे प्रार्थना करने लगे? क्योंकि कोई स्वर्गीय रामगुप्त का नाम नहीं लेना चाहता। क्यों? महाराज रामगुप्त परम भट्टारक चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे, पर छोटे भाई के लिए ईर्ष्या से भरे हुए। जो कुमार चंद्रगुप्त को चाहिए वही कुमार रामगुप्त को चाहिए था। देवी ध्रुव स्वामिनी कुमार चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता थी, पर मैं अपनी मां के बारे में कोई भी सच सुन सकता हूं काका। पर रामगुप्त उनकी अभिलाषा करते थे।